पीकेबी न्यूज के एक खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। मुंबई की सुंदरता में ग्रहण लग रहा है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसे लेकर गंभीर है। उन्होंने आदेश दिया है कि किसी के दबाव में आए बिना गैर कानूनी निर्माण कर तत्काल कार्रवाई करें, सड़क के गड्ढों को भरने को पहली प्राथमिकता दें। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को लेकर भी सरकार सख्त है। महाराष्ट्र सरकार ने दो टूक कहा है कि परमवीर सिंह का पता नहीं चल पाया है, इसलिए सरकार अपने आश्वासन पर कायम नहीं रहना चाहती है कि उत्पीड़न कानून संबंधी एक मामले में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बीच मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने करीब 22 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 53 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। महिला से पता चला है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ से बड़े पैमाने पर अफीम उगाकर मुंबई में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। उधर भाजपा नेता किरीट सोमैया और राकापा में जोरदार ढंग से ठनी है। सोमैया जरंडेश्वर चीनी मिल के संस्थापक किसानों के साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से मिले तो राकापा कार्यकर्ता उनके विरोध में नारेबाजी करने लगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने तेंदुपत्ता और चंदन व्यवसाय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में तेंदुपत्ता के ई नीलामी के लिए प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मुंबई महानगर के विकास कार्य से संबंधित एक बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया है कि किसी के दबाव में आए बिना गैर कानूनी निर्माण पर तत्काल कार्रवाई करें। मुंबई में सड़क मरम्मत की निविदा प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से की जाए और किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं दिया जाए। सड़क, फुटपाथ की साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित कर समय से पूरा करने और मुंबई को आदर्श शहर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाए। देखा गया है कि पूर्व और पश्चिम राजमार्गों पर भी बड़ी संख्या में मलबा डाला जाता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। दरअसल हाल ही के दिनों में शहर के गड्ढों को लेकर बीएमसी में शिवसेना को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये सख्त आदेश दिया है। ठाकरे ने कहा है कि सड़क के गड्ढों को भरने को पहली प्राथमिकता दें। शहर की सड़क, डिवाइडर, फुटपाथ, उद्यान सुंदर और सुव्यवस्थित है या नहीं, इस पर पूरा ध्यान दें। वार्ड अधिकारी सोच समझकर और सख्ती से तत्काल कार्रवाई करें, किसी के दबाव को बर्दाश्त न करें। शहर से कचरा उठाने और मलबा हटाने पर ध्यान दें और इसे सुंदर बनाने की योजना पर पूरी तरह अमल करें। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का पता नहीं चल पाया है, इसलिए सरकार अपने आश्वासन पर कायम नहीं रहना चाहती कि उत्पीड़न कानून संबंधी एक मामले में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ से कहा कि उनका पता नहीं चल पा रहा है। इन परिस्थितियों में हम अपने पहले के बयान पर कायम नहीं रहना चाहते हैं। उच्च न्यायालय वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पुलिस निरीक्षक भीमराव घाटके की एक शिकायत पर उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून तथा भांडस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अपनी शिकायत में घाटके ने परमवीर सिंह पर भ्रष्टाचार और वरिष्ठ इंस्पेक्टरों से पोस्टिंग के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। डांगे ने दावा किया है कि जब वह निलंबित था तब एक रिश्तेदार के माध्यम से परमवीर सिंह ने फिर से बहाल करने के लिए 2 करोड़ की मांग की थी। अदालत ने सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने करीब 22 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 53 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल एएनसी को सूचना मिली थी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ से बड़े पैमाने पर अफीम उगाकर मुंबई में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। रेलवे और बसों के जरिए महिलाओं की मदद से नशे की ये खेप महानगर में पहुंचाई जा रही थी। जानकारी के आधार पर एएनसी ने इंस्पेक्टर लता सुतार की अगुवाई में जाल बिछाकर अमीना शेख नाम की महिला को सायन कोलीवाड़ा इलाके से दबोचा। तलाशी के दौरान शेख के पास से 7 किलो 200 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 21 करोड़ 60 लाख रुपए है। पूछताछ में महिला ने बताया कि राजस्थान के 2 कारोबारियों के कहने पर वह नशे की खेप लेकर मुंबई पहुंची थी, जिसे उसे डीलर्स को सौंपना था। पुलिस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की भी तलाश में जुट गई है। पुलिस को भरोसा है कि महिला की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। अंदेशा है कि राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान से नशे की खेप लाई जा रही है। भाजपा नेता किरीट सोमैया जरंडेश्वर चीनी मिल के संस्थापक किसानों के साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से मिले और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े कथित घोटाला मामले में दस्तावेज सौंपे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ईडी के ऑफिस के सामने पहुंच गए और जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने भाजपा से जुड़े नेताओं को लेकर चल रही जांच का क्या हुआ, इसे लेकर सोमैया से जवाब मांगा। राकापा कार्यकर्ताओं ने यह भी सवाल किया कि सोमैया ने इससे पहले राणे, सिंह, गावित, पाचपुते के खिलाफ ईडी में जो शिकायत की थी, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद अब कुछ क्यों नहीं बोलते।
चव्हाण ने कहा कि नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच क्यों बंद हो जाती है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे राकांपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया। वहीं इस मामले में सोमैया ने कहा कि ईडी ऑफिस के बाहर राकांपा के गुंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनने तक लड़ाई जारी रखेंगे, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। प्रदेश के वन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने तेंदुपत्ता के ई नीलामी के लिए प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। भरणे ने कहा कि तेंदुपत्ता ई नीलामी प्रणाली में केवल स्थानीय व्यापारी सहभागी होते हैं, अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भी शामिल हुए तो तेंदुपत्ता को अच्छी कीमत मिल सकती है। इसके साथ ही तेंदुपत्ता के क्षेत्र में काम करने वालों को भी इसका फायदा मिल सकेगा, इसीलिए तेंदुपत्ता क्षेत्र के उद्यमियों के सुझाव का अध्ययन कर वन विभाग ई नीलामी प्रणाली को विकसित करे। साथ ही भरणे ने बताया कि राज्य में चंदन उद्योग बढ़ने से राजस्व में वृद्धि हो सकेगा। चंदन के पाउडर और तेल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है, इसलिए चंदन की खेती के लिए प्रोत्साहन के लिए मदद की जाएगी। वन विभाग पता लगाए कि अगरबत्ती के व्यवसाय में चंदन का समावेश किस प्रकार से किया जा सकता है। बैठक के दौरान चंद्रपुर के वन संरक्षक किशोर मानकर ने अगरबत्ती व्यवसाय की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक व मुख्य महाप्रबंधक सचिव गोंड, नागपुर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जीत सिंह, प्रबंधक निदेशक बांस, विकास मंडल श्रीनिवास राव आदि अधिकारी मौजूद थे। देश में टीकाकरण का आंकड़ा रिकॉर्ड 100 करोड़ के पार पहुंच गया है और इसके साथ ही भारत ने कोरोना के खिलाफ एक नया मील का पत्थर पार कर लिया है। इस बीच भिंड जिले के बबेड़ी गांव में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश हो गया है। विमान को एक ही पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष उड़ा रहे थे। उधर पंजाब को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब वहां के प्रभारी हरीश रावत ने सार्वजनिक तौर पर पद छोड़ने की मांग की है। हैरान करने वाली खबर यह है कि पंजाब में नकली पीए ने केंद्र सरकार में मंत्री सोम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहां लोगों से रुपए इकट्ठा कर रहा है। मंत्री ने इससे सावधान रहने की अपील भी की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत ने कोरोना के खिलाफ एक नया मील का पत्थर पार कर लिया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा रिकॉर्ड 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अरब डोज पूरे होने के मौके पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात। मोदी ने ऐतिहासिक लक्ष्य पार करने पर भी ट्वीट कर सभी का आभार जताया। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी। इसके बाद वाले चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी गई। 1 अप्रैल से देश में 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी। इसके बाद 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया गया था। देश में शुरुआत में वैक्सीन के प्रति लोगों में हिचकिचाहट भी देखने को मिली। जागरूकता की कमी के कारण लोग इसे लेने से पीछे हटते दिखे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोगों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। उन भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया गया। भिंड जिले के बबेड़ी गांव में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश हो गया। विमान भिंड के बिहड़ो के खेत में जा गिरा। विमान को एक ही पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष उड़ा रहे थे। वे क्रैश वाली जगह से कुछ दूर घायल अवस्था में मिले। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह सुबह करीब 8:15 में लोगों ने आसमान में विमान से धुआं निकलता देखा। इस बीच लोगों ने एक पैराशूट भी देखा। पैराशूट पर जवान लटका हुआ था। गांव वालों के मुताबिक जहां विमान गिरा वहां गड्ढा हो गया। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। गौरतलब है कि 25 अगस्त को भी राजस्थान के जिला बाड़मेर स्थित भुटारिया गांव के पास वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया था। बताया गया कि मिग अपनी रूटीन उड़ान पर था। सूत्रों के अनुसार विमान ने बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी और अचानक विमान नीचे की तरफ गिरने लगा। वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि हमारे जवान हमारी संपत्ति होते हैं, उनकी जान की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। नियमित उड़ान के दौरान ऐसे हादसे होते हैं तो राष्ट्र को क्षति होती है और हमें दुख होता है। पंजाब को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। राज्य के नेताओं के बीच घमासान का सिलसिला जारी है। वहीं हरीश रावत ने अब सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व से पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की मांग कर दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था तो उसे मंजूर किया जाना चाहिए था। इससे हाईकमान का स्पष्ट संदेश जाता है। पंजाब राज्य के प्रभारी हरीश रावत बीते 3 महीनों से लगातार कांग्रेस नेतृत्व से खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का आग्रह कर रहे थे।
बावजूद नेतृत्व ने अभी तक उन्हें लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब जब फिर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच विवाद गहरा गया तो रावत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रावत जान रहे हैं कि अगर फिर से इस विवाद को सुलझाने में जुटेंगे तो उन्हें अपने राज्य उत्तराखंड में नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड में सक्रियता कम होगी और मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का उनका दावा कमजोर होगा। अब कांग्रेस के लिए पंजाब एक तरफ से फिर सवाल के रूप में खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि एक सरदार के लिए न जाने कितने असरदार हाशिए पर लगेंगे, ये तो समय ही बताएगा। पंजाब में नकली पीए ने केंद्र सरकार में मंत्री सोम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साहिल नाम का ये व्यक्ति खुद को कॉमर्स एवं उद्योग के केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश का पीए बता रहा है। वह लोगों से रुपए इकट्ठा कर रहा है। मंत्री ने पहले पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, फिर भी बात न बनी तो उन्हें सार्वजनिक माध्यम से सूचना जारी करनी पड़ गई। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कोई साहिल नाम का ठग उनका पीए बनकर लोगों को फोन कर रहा है, लोगों से रुपयों की मांग कर रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी कॉल आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि उसे कोई कुछ न दे। सोम प्रकाश इस वक्त होशियारपुर से भाजपा से लोकसभा के सांसद है। 2019 में उन्हें विजय सांपला की जगह पर यहां से टिकट दी गई थी जिसमें वो जीत गए। इससे पहले वो फगवाड़ा के विधायक रह चुके हैं। इस इलाके में उनके नकली पीए की ठगे के चर्चे हो रहे हैं। किसान आंदोलन और सड़क से किसानों को हटाने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। किसानों द्वारा हाईवे जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसान यूनियनों से सड़कों से विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस के कॉल ने कहा कि सड़कें क्लियर होनी चाहिए, हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है मगर सड़क अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। दरअसल याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से कहा था कि आखिर अब तक सड़कें बंद क्यों है। प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की माली हालत बद से बदतर है और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशों से मिले गिफ्ट के मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। उन पर गिफ्ट में मिली $10 लाख की एक घड़ी को बेचने का आरोप है। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल ने हद कर दी। एंकर वेदर रिपोर्ट पढ़ रही थी और पीछे की स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। समुद्र की गहराई में एक अनोखी दुनिया है। एक मछुआरे के जाल में दैत्यकार मछली फंस गई। उसका वजन 2000 किलो बताया गया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि चीन हिमालयी सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है। अमेरिका ने आगाह किया है कि चीन को नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में जवाबदेह बनाना होगा। उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा करते हुए अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने तत्काल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तत्काल लागू करने पर बल दिया है। दुनिया भर की 5 बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशों से मिले गिफ्ट के मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। इमरान खान को खाड़ी देशों के एक राजकुमार ने $10 लाख की एक घड़ी गिफ्ट में दी थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इसे बेचकर देश के सरकारी खजाने को बड़ा चूना लगा दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने विदेशी गिफ्ट को लेकर इमरान खान पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि पीटीआई नेता ने उपहारों को लूट लिया। नियमों के अनुसार ये उपहार तब तक राज्य की संपत्ति रहते हैं जब तक कि उन्हें खुली नीलामी में बेचा नहीं जाता। नियम अधिकारियों को बिना कुछ भुगतान किए ₹10,000 से कम के बाजार मूल्य के उपहार रखने की अनुमति देते हैं। नवाज शरीफ की बेटी तथा पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने उर्दू में ट्वीट किया कि इमरान खान ने दूसरे देशों से मिले उपहारों को बेच दिया है। खलीफा हजरत उमर अपनी कमीज और बागे के लिए जवाबदेह थे और दूसरी तरफ इमरान खान ने तोशा खाना से विदेशी उपहार लूटे और मदीना स्थापित करने की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कैसे इतना असंवेदनशील, बहरा, गूंगा और अंधा हो सकता है। एक खाड़ी देश के राजकुमार ने $10 लाख की घड़ी भेंट की थी। अमेरिकी न्यूज चैनल पर एंकर वेदर रिपोर्ट पढ़ रही थी कि तभी पीछे की स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मजेदार बात यह है कि पीछे की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से एंकर एकदम अनजान दिख रही है और वो आराम से लोगों को मौसम का हाल बता रही थी। जब न्यूज चैनल को स्क्रीन पर चल रही अश्लील क्लिप की जानकारी मिली तो इस वीडियो के टेलीकास्ट किए जाने के कई घंटे बाद न्यूज चैनल ने इसके लिए माफी मांगी।
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर छाने लगा, इसकी भनक पुलिस को भी लगी। इसके बाद स्पोकेन सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इसे लेकर बयान जारी किया। उन्होंने बोला कि ये घटना शर्मनाक है और इसकी जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे साइबर क्रिमिनल है या न्यूज चैनल में ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। बहरहाल न्यूज चैनल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, इसलिए लोगों में रोष भी देखा गया। समुद्र में मछुआरों के जाल में कब क्या आ जाए कहा नहीं जा सकता। कभी किसी मछुआरे की लॉटरी निकल जाती है तो कभी जिंदगी दाव पर लग जाती है। कई बार तो रहस्यों की दुनिया के बारे में भी पता चलता है। इसी तरह के एक मामले में उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को की सीमा के पास स्थित सेउटा शहर के समुद्री तट पर मछुआरों को 2000 किलो वजनी दैत्यकार मछली हाथ लगी है। इस मछली के विशाल आकार की वजह से इसे उठाने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये मछली सनफिश प्रजाति की है। इसकी लंबाई करीब 3 मीटर है। इस मछली को पहले जहाज के अंदर बनाए गए पानी के एक चेंबर में रखा गया। इसके बाद क्रेन की मदद से मछली को उठाया गया और एनरिक तथा उनके अन्य साथी विशेषज्ञों ने उसकी माप ली, डीएनए नमूने लिए और फोटो खींचे। सनफिश मछली को संकटग्रस्त माना जाता है और इसे दुनिया के कई हिस्सों में खाया नहीं जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस इलाके में अक्सर ऐसी मछलियां मिलती रहती है। इस मछली की चमड़ी गहरी भूरी और इसका सिर प्रागैतिहासिक काल की तरह से दिख रहा था। इस मछली को 4 अक्टूबर को फिर से पानी में डाल दिया गया। ये मछली पानी में करीब 700 मीटर गहर में रहती है। चीन के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नामित निकोलस बर्न्स ने कहा कि चीन हिमालयी सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है और अमेरिका को चीन सरकार को नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में जवाबदेह बनाना होगा। बर्न्स ने चीन में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपने नाम की पुष्टि संबंधी सुनवाई के दौरान सीनेट की विदेश संबंधों से जुड़ी समिति के सदस्यों से कहा कि चीन को जहां चुनौती देने की आवश्यकता है, अमेरिका उसे वहां चुनौती देगा। जब भी चीन अमेरिकी मूल्यों एवं हितों के खिलाफ कदम उठाएगा, अमेरिका या उसके सहयोगी की सुरक्षा को खतरा पैदा करेगा या नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करेगा, अमेरिका उसके खिलाफ कदम उठाएगा। बर्न्स ने कहा कि चीन द्वारा शिनजियांग में नरसंहार और तिब्बत में उत्पीड़न करना, हांगकांग की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता का गला घोटना और ताइवान को धमकाना अन्यायपूर्ण है और इसे रोकना चाहिए। बर्न्स ने कहा कि ताइवान के खिलाफ बीजिंग की विशेष रूप से हालिया कार्रवाई आपत्तिजनक है और अमेरिका को अपनी एक चीन नीति का पालन करना जारी रखने का अधिकार है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा की और कहा कि पोंगयांग की तकनीकी प्रगति उसके परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों तथा उसकी आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता रेखांकित करती है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने उत्तर कोरिया से उसके उकसावों पर रोकने की अपील की जो सुरक्षा परिषद प्रतिबंध प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्योंगयांग को बिना किसी पूर्व शर्त कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने सभी देशों से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के पूर्ण क्रियान्वयन की अपील भी की ताकि हम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कोष प्रौद्योगिकी तक पहुँच रोक पाए, जिसकी उसे व्यापक विनाश के लिए गैरकानूनी हथियार बनाने और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए जरूरत है। बता दें कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों पर बुलाई गई आपात बैठक से पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा था कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के अधिकारियों को वार्ता का प्रस्ताव दिया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज़। नमस्कार।